हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये पर्पल ग्लिटर आई मेकअप लुक। आई होप कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी न्यू वीडियो से नोटिफाइड रहें। और गाइज़ ये बिल्कुल फ्री है, तो चलिए देख लेते हैं। और गाइज़ आज जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है ये मैंने वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट की हेल्प से किया है, और ये ग्लिटर आई शेडो पैलेट है। और गाइज़ ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे मिल गया था, और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी डील हो सकती है गाइज़। और ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है, इजीली आप इसे ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको इसके साथ। और ये लॉक भी हो जाता है, इसलिए आप इसे अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, इसे एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का मैंने ये मेकअप लुक इस आई शेडो की हेल्प से कैसे किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं तो मैं आपको इस पैलेट के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। तो आप देख सकते हैं पैकेजिंग की बात की जाए अगर तो ये बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आता है, और ये प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। ये देखिए सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है, वेट एंड वाइल्ड ग्लिटर पैलेट लिमिटेड एडिशन है ये, और क्रूएल्टी फ्री है। ये देखिए सभी चीजें मेंशन की हुई है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए सभी चीजें मेंशन की हुई है। प्राइस इसका मेंशन किया हुआ है 350 रुपीज, बट ये मुझे ऑनलाइन बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल गया था। तो मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आता है। क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो ये मिलता है आपको 7.0 ग्राम का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अभी इसे ओपन कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, और इसमें आपको टोटल 6 शेड मिलते हैं। साथ ही साथ आपको इसकी एक स्मॉल स्पॉन्ज एप्लीकेटर मिलता है, जो कि शायद किसी काम का नहीं हो। और इसमें आपको मिलता है टर्कोइज ग्रीन, व्हाइट, सिल्वर, पिंक, ग्रीन और पर्पल कलर मिल जाता है। टोटल 6 शेड है, बहुत ही अच्छे से मैच होने वाले आपके इंडियन आउटफिट के साथ। और समटाइम्स आप देख सकते हैं कि काफी मुश्किल हो जाता है, जो पाउडर फॉर्म में ग्लिटर्स आते हैं वो अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्रीम फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म में नहीं है। ये देखिए मैं आपको इसका एक स्वॉच कर दिखाती हूँ। ये देखिए तो इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं शिमर्स आपको दिख रहे होंगे कैमरा में। तो ये देखिए तो काफी अच्छे कलर हैं, इसके साथ आपको काफी अच्छे शेड मिल जाते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे इजीली अपनी आईज पर अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज जो मैं आज ये मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ इसी वेट एंड वाइल्ड पैलेट की हेल्प से, मैं आज अपना पर्पल ग्लिटरी आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने आज का मेकअप लुक इस पैलेट की हेल्प से कैसे किया है, जो कि बहुत ही इजी है, आप भी इस लुक को इजीली ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ मैक का कंसीलर, और इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से अपनी आईलिड पर लगा लूंगी और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूंगी। गाइस कंसीलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इससे आपका जो आई शेडो का जो कलर होता है बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप आई शेडो लगाने से पहले अपनी आईलिड पर कंसीलर को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये लाइट पर्पल कलर का शेड ले रही हूँ, अपनी क्रीज लाइन पर मैं इसे अच्छे से लगाकर ब्लेंड कर लूंगी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ पर्पल कलर की बुलेट लिपस्टिक ले रही हूँ, ये भी बहुत ही प्यारा शेड है, इससे मेरी जो आईज का जो मुझे एक्चुअल कलर चाहिए वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पर ये लिपस्टिक की हेल्प से लगा लूंगी आई शेडो, और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से ये पर्पल कलर का शेड ले रही हूँ, और मैं इसे अच्छे से अपनी पूरी आईलिड पर लगा लूंगी, अच्छे से इसे मिक्स कर ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लू कलर का शेड। गाइस अगर आपके पास पर्पल कलर का शेड नहीं है या आपके पास लाइट है ना, तो आप उसमें ये ब्लू कलर मिक्स कर लगा सकते हैं और एक्चुअल शेड पा सकते हैं जैसा कि आपको पर्पल कलर चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी थी। और इस तरह से आप अपना एक्चुअल शेड जो है पा सकते हैं आई शेडो का। ब्लू कलर भी आपको बहुत अच्छा एक लुक देता है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी के पैलेट से ले रही हूँ बरगंडी कलर का शेड ले रही हूँ, और मैं इसे अपनी पूरी आईलिड पर लगा रही हूँ। देख सकते हैं आप सर्कुलर मोशन में भी आप कर सकते हैं इसे ब्लेंड, क्योंकि इससे भी आई शेडो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लाइट पर्पल कलर का शेड अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूंगी, जो शेड मैंने क्रीज लाइन के लिए लिया था ये वही शेड है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का जेल आई लाइनर, और मैं ब्राउन कलर का आई लाइनर ले रही हूँ, और इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी अच्छे से। आईब्रोज के सेट किए बिना गाइज आपका मेकअप जो है ना आई मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होता है, तो प्लीज़ अपनी आईब्रोज को सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ जो मेरे मेकअप का मेन पार्ट है, ये ले रही हूँ मैं वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट से पर्पल कलर के ग्लिटर्स ले रही हूँ, अपनी आईलिड पर लगा रही हूँ, और मैं इसे फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ गाइज, क्योंकि ब्रश की हेल्प से लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
और यहाँ पर मैं ले रही हूँ म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का आईलाइनर ले रही हूँ और मैं यहाँ पर अपना विंग ड्रॉ कर लूँगी इसकी हेल्प से। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मस्कारा। और गाइज मैंने ऑफ कैमरा अपनी फेक लैशेस लगाई थी और वो थोड़ी उस वक्त ड्राई नहीं हुई थी अच्छे से, तो मैंने इसलिए मस्कारा बाद में अप्लाई किया है। अब ये मेरी फेक लैशेस जो अच्छे से ड्राई हो चुकी है, मैं यहाँ पर मेबेलिन का मस्कारा लगा रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपनी आईलैशेस के साथ। और गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। और गाइज़ आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी न्यू वीडियो से नोटिफाइड रहें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।